महा शक्तिवान है। वही ऐसा एक उत्तम पुरुष है, सर्व लक्षण संपन्न है। ऐसा नारद महामुनि ने पूरा रामायण बताकर, संक्षेप में पूरा रामायण वहां पर सुनाकर नारायण नारायण करके चले गए। अभी वाल्मीकि अपने होश में नहीं आए थे, नारद महामुनि गायब हो गए। वाल्मीकि का मन में वही बैठ गया, रामचंद्र जी का छवि बैठ गया, उनका मन उसी में लय हो गया। उनके शिष्यों ने कहा सुबह का स्नान इत्यादि करने के लिए जाना था, तो आप चलिए, समय हो गया है, सूरज का भी उपासना करना है। तो शिष्यों के साथ में तमसा नदी किनारे वह गए। वहां पे उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से रामचंद्र जी का छवि बिठाते हुए इधर उधर देख रहे थे। उनको उसी दिन सब कुछ नया लगता था। कई दिनों से वहाँ रहते हैं, रोज वहाँ पे तमसा नदी किनारे नहाने को आते हैं, पूजा इत्यादि करने को आते हैं, शिष्यों को लेकर आते, पर उसी दिन तो वो बड़ा सुंदर लग रहा था वो जगह। वो देखते ही रह गए, फूलों को देखते ही रह गए और वहाँ के सुंदरता को आंखों से वो उस सुंदरता का अमृत को पीने लगे। सडनली उन्होंने देखा दो क्रौंच पक्षियां बैठी है झाड़ में, दोनों बड़े खुशी से, जैसे अभी यहाँ आवाज कर रहे हैं वैसे बड़े खुशी से खेल रहे अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे एक दूसरे। वाल्मीकि उन्हें देख रहे हैं। जैसे वाल्मीकि अपने अंदर कोई विचार लेकर उन्हें देख रहे थे, तो एक वहां से एक बाण आया और उस पक्षी को, तीर आया और उस पर एक पक्षी को मार दिया। तो जो नर था वो नीचे गिर पड़ा और मर गया, तड़प तड़प के मर गया। तो जो नारी पक्षी थी वो रोने लगी, वो गोल गोल घूम के चिल्लाने लगी उसके आस पास। बड़ा दुख हुआ वाल्मीकि महर्षि को। वो दुख से उन्होंने अंदर से उस शिकारी जिसने मारा था, तीर फेंका था पक्षी के ऊपर, उसको श्राप दे दिया। कहा तुम जंगल जंगल भटकोगे, पाप का बोझा उठाकर रोते रहोगे, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, ऐसे तुमने पाप कर दिया है। एक पक्षी का सुंदर समय और सुंदर जो संसार था उसे तुमने तोड़ दिया। और श्राप देने के बाद उनके मन में उस श्राप का जो ध्वनि था वो घूमने लगा। और वो एक श्लोक के रूप में निकल कर आया। उन्होंने सोचा ये क्या हो गया, मेरे क्रोध की वजह से मैंने गुस्से में आकर श्राप दे दिया, पर ये तो ये ध्वनि जो है मेरे अंदर श्लोक के रूप में उमल रहा है। उन्होंने अपना सुबह का सारा जितना भी कर्म है वो सब करके वापस गए। बार बार उनको वो श्राप, और उस श्राप देने के बाद में उसके वो ध्वनि एक श्लोक के रूप में आ रहा था। वो सोच रहे थे
आज क्या होने वाला है, क्यों ये इतना अच्छी तरह से मेरे मन में एक श्लोक आ रहा है। उसी समय वहां पर ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव को देखते ही मुनिवर बहुत खुश हो गए, बोला आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, भगवान आपका दर्शन हो गया। अभी अभी नारद महामुनि से मैंने राम के बारे में सुना और अब आपका दर्शन भी हो गया, परंतु भगवान मेरा मन कुछ अच्छा कार्य करने के लिए तड़प रहा है। फिर उन्होंने सारा बात बताया ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद करके ब्रह्मा ने कहा, ये जो राम कथा तुमने सुना था, राम के बारे में तुमने तो आपने सुना था, इसे काव्य के रूप में बनाकर गाकर दुनिया को इस कथा दे दो। जो इसे सुनेगा राम कथा को और जो इसे अपने घर में रोज पढ़कर खुशी होंगे उनको स्वर्ग प्राप्ति होगी, उनको सारा कल्याण प्राप्ति होगा, धरती में बड़ा दुख आएगा और राम कथा जहां होगी वहां पे मंगल ही मंगल होगा। राम कथा जो सुनेंगे, जो बोलेंगे, जो कहेंगे, उनका हमेशा मंगल ही होगा, ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि को प्रोत्साहन देते हुए ब्रह्मदेव चले गए। अब नारद का आशीर्वाद, नारद से उपदेश और ब्रह्मदेव के द्वारा प्रोत्साहित वाल्मीकि ने राम कथा लिखा, जैसा मैंने कहा था उस श्लोक रूप में उन्होंने बनाया और उसे सुनकर उनके शिष्यों ने उसे दुनिया को सुनाया। उसके पहले महर्षि ने श्लोक के रूप में रामायण रचित करने के बाद सोचा इसे मैं सबसे पहला किसके मुंह से सुनना चाहूंगा, तो उनके आश्रम में कुश और लव नाम के दो छोटे छोटे बालक थे। उनका आवाज भी अच्छा था और मनमोहित रूप भी था उनका। कुशा और लव उनको सिखाया वाल्मीकि ने और उन्हें कहा कि तुम इस कथा को पूरा दुनिया में प्रचार करो। कुश और लव दोनों सारे जगह में घूमते घूमते रामायण गाते हैं। बहुत सारे आश्रमों में गए, वो बहुत सारे राज्यों में गए, उनको मान मर्यादा सब कुछ मिला। लोग रामायण सुनते थे उनके मुंह से, वो गीत के रूप में गाते थे उस रामायण को और आंखों में अश्रुधारा आ जाती थी। बड़े आनंद से वो कुश और लव के मुंह से रामायण गीत को सुनते थे। आश्चर्य की बात ये था, वो श्री राम के जुड़वा पुत्र थे, जुड़वा पुत्र, और रामचंद्र जी ने भी सुना उनके मुंह से रामायण।
रामचंद्र जी ने भी उन्हें अपना महल में बुलाया और रामायण कथा का आयोजित किया। अपने भाइयों के साथ में बैठकर आंखों में अश्रु धारा आते हुए उस कथा को सुना। लव कुश, कुश और लव रामायण सुनाते हैं। कोशला देश बड़ा सुंदर देश था। उसका सॉइल बहुत रिच था, पौधे और धान सभी कुछ वहाँ पे, ऐसे चीज नहीं थी कोई चीज उगेगा नहीं, इतना अच्छा सॉइल था और इतना सुंदर एक देश था। सरायू नदी उस देश के अंदर बहती थी। उस देश का राजधानी था अयोध्या। अयोध्या बड़ा सुंदर था। आजकल के राजधानी, आजकल के देश में राजधानी को जैसा रखते थे वैसा उस देश में भी अयोध्या नगरी को बहुत ही सुंदर ढंग से निर्माण किया हुआ था। सूर्यवंशी राजा उसमें राज्य करते ही आते थे। इक्ष्वाकु कुल के इक्ष्वाकु जो मनु के पुत्र थे, उन्होंने वो राज्य निर्माण किया था और वो देश को उन्होंने ही पहला अपना शासन जमा कर रखा था देश में। अब वहाँ का राजा दशरथ थे। दशरथ राजा अयोध्या में जैसे इंद्रपुरी में रहते हैं वैसे रहते थे। उनके पास कोई कमी नहीं था। शूर थे, वीर थे, हर बात उनके पास था। उनके पास जो मंत्रियां थे वो सब सामर्थ्यवान थे। उनको बार बार कुछ बोलना नहीं पड़ता था, सब ख्याल रखते थे। आसपास के देश में क्या होता है अप टू डेट उनके पास सब खबर रहती थी। सभी लोग राजा का इशारे पर सब कार्य कर लेते थे। उनके पास उनके राज्य में वशिष्ठ वामदेव और भी अच्छे अच्छे महामुनि उनको स्पिरिचुअल और धार्मिक कार्यों में मदद करने के लिए, पारमार्थिक और धार्मिक कार्यों में मदद करने के लिए साथ साथ रहते थे उस देश में, उनके राजधानी में। राजा बहुत खुश थे। देवताओं का सहायता में भी वो कभी कभी चले जाते थे राजा दशरथ। उनके देश में, कोशला देश में किसी को कोई कम नहीं थी। ना झगड़ा था, ना दुख था और शत्रुओं से युद्ध कर उस अयोध्या नगरी को कोई शत्रु ले ही नहीं सकता है। युद्ध ही शत्रु लोग उसे कर नहीं सकते हैं क्योंकि अयोध्या माने उधर युद्ध नहीं होगा। सब जगह में शांति और शांति था। फॉरगिवनेस उस राजा के अंदर घुट घुट के भरा हुआ था। बदले का भावना तो था ही नहीं। फिर दुश्मनी कहाँ से मोले, ईर्ष्या तो था ही नहीं, लालच तो था ही नहीं। राजा सर्व संपत्ति से भरे हुए थे, सब कुछ था। उनको तीन पटरानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सब भरा हुआ था, उम्र भी उनकी
निकल जा रही थी, परंतु उनके बाद शासन संभालने के लिए पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी उनको। राजा बहुत ही दुखी थे। उन्होंने एक बार सोचा, मैं अश्वमेध यज्ञ अगर करूंगा तो ऐसा कहा जाता है कि जो कामना हम मन में करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ क्यों ना करूं। तो उन्होंने सभी मंत्रियों को और गुरुजनों को बुलाकर पूछा। सभी लोगों ने बड़े खुशी से उनको बोला कि हम करेंगे, हम आयोजित करेंगे, हम सब सहायता करेंगे। अब अश्वमेध यज्ञ करने का सभी काम चालू हो गया। उस समय उनका एक मंत्री था सुमंत्र, बहुत ही अच्छा था, राजा को बढ़िया बढ़िया सलाह वही देता था। राजा कुछ भूल जाएगा वह भी उनको याद करवाता था, मंत्री बने ऐसा हो। सेवक बने हमेशा हर बात को याद रखना चाहिए और राजा को समय समय पर अपने यजमान को सलाह देनी चाहिए। इसीलिए तो सेक्रेटरी रखते हैं लोग आजकल के लोग, परंतु क्या करें, अब आ गया सेक्रेटरी भूल जाता है सब चीज को, तो मालिक क्या करेगा। उन दिनों ऐसा नहीं था, सभी लोग अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानते थे, अच्छी तरह से कर्म करते थे, नम्रता पूर्वक और ज्यादा से ज्यादा सिंसियरिटी उनमें था, अंदर एक बाहर एक नहीं था, कुछ बोलना कुछ करना उनके पास नहीं थी, आर पार थे वो। इसीलिए हर बात उनको याद रहती थी।